तो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ब्लॉक, कि वो नहीं हो रहा है, वो सॉल्व भी हो गया है या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका डर बना हुआ है अभी भी होने का, तो ये एनर्जेटिक है। ये खुद यू आर कंफर्मिंग कि 6 महीने से तो ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, एंड ऑल दैट थिंग्स आर, तो माइंड ब्लॉक से बाहर चलिए। वो जो सिचुएशंस हुई हैं वो इतनी ट्रॉमेटिक हुई हैं कि आप अंदर से हिल चुके हो उन चीजों से, तो अभी भी डर लगा रहता है। तो ये कंप्लीटली इलॉजिकल है, क्योंकि इसमें आपको कुछ समझाया जा ही नहीं सकता है। समझ रहे हो ना ये सिचुएशन? यहां मैं कुछ नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि कुछ समझाने के लिए है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि खुद ही तो बोल रहे हो ही नहीं रहा है वैसा। तो ये एनर्जी ब्लॉक। आई होप कि एवरीबडी गेट्स अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। इसको हम एनर्जी ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लिमिटिंग पैटर्न भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, कोर नीड भी आइडेंटिफाई कर ली, से अभी वो हो भी नहीं रहा है, अभी वो हो भी चुका है, तो कुछ कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाने के लिए, कुछ भी सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इट्स एन इमेजिनरी फियर, फोबिया है। तो वो डर जो है वो डरा रहा है, अब कुछ भी नहीं है। इस जैसे भूत होता है कि वो है ही नहीं, लेकिन हमारे लिए वो है, आ गया तो कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है बेसिकली। अब आपके कॉन्शियस, अब कुछ समझाने बुझाने, कुछ पर्सपेक्टिव शिफ्ट, कोई कोई स्कोप ही नहीं बचा है इसमें, कुछ है ही नहीं कुछ बात करने के लिए, क्योंकि लॉजिकली तो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट, लॉजिकल प्रैक्टिकल सेंस में तो वो प्रॉब्लम है ही नहीं जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो फिर भी वो है ना। तो ये डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है ना, कि प्रैक्टिकल लॉजिकल हर सेंस में वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट आपके दिमाग में फिर भी एग्जिस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं वो बात आ जाती है, कहीं हो गया तो ऐसा हो गया सिचुएशन। तो हो गया तो, हाँ। अभी तो कोई नहीं हो रहा इंसान, है कि कोई इंसान जो है एटलीस्ट वो घर में बैठा है कि कहीं मैं बाहर निकला और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, पर हो तो नहीं रहा, तुम तो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो। और मैं इसीलिए तो नहीं निकल रहा हूं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो, और वो डिनाइबल भी नहीं है ना। सी अगेन, मैं उसको डिनाय भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि तुम्हारी जो बात है उसमें लॉजिक तो है। तुमको बोलो कि मैं बाहर रोड पे निकलूं और किसी का एसी मेरे सिर पे आके गिर गया तो, है ना, मैं डिनाय तो नहीं कर सकता हूं ना इस बात को कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नाम की भी तो चीज होती है ना। पर हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहे ना, मेरे लिए तो वो 100% ट्रू है ना। मेरे लिए तो ऐसा ट्रू है कि मैंने गेट से बाहर पैर रखा और मेरे सर पे आके ऐसे गिर जाएगा, तो मैं तो प्रोबेबिलिटी को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा हूं ना। और प्रोबेबली एक बार तो हो चुका है तो उस बात को लेकर पकड़ने की बात होगी। पकड़ ही लिया। एक बार हुआ है हाँ तो हाँ दोबारा भी होगा शायद। हाँ I'm getting it करेक्ट now। करेक्ट। तो इसीलिए ये, अब ये चीज बियॉन्ड चली गई है, समझाने बुझाने के बियॉन्ड चली गई है, क्योंकि हम कुछ भी समझा बुझ कुछ भी बात कर लेना, आप घूम फिर के, हो सकता है कि इस पॉइंट पे आओ कि घूम फिर के यू विल नॉट आर्ग्यू और यू विल नॉट टॉक अबाउट इट, यू विल जस्ट स्टे क्वाइट, बट यू विल स्टिल नॉट एक्सेप्ट। क्योंकि अंदर से यू आर वेरी कन्विंस्ड कि ये हो सकता है,
इनको समझ नहीं आ रहा है, ये दे विल नॉट गेट माय सिचुएशन, सो छोड़ो आर्ग्यूमेंट करके क्या फायदा होगा, इनको समझा के क्या फायदा होगा, आई नो कि ये हो सकता है, इसलिए आई एम फाइन, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू बिलीविंग ऑन दिस। तो हम कई बार इतने ज्यादा, वही बार बार बोलता हूँ, कई बार हम लोग इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा वो लॉजिकल हो जाते हैं अपने लिए, कि हम हमारी स्मार्टनेस ही हमको प्रॉब्लम में डाल देती है। कि बात सही है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम कोई भी आर्ग्यूमेंट लगा के हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो अभी यू नो इस समय जैसे प्रलय आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, लाइक देर आर 1 मिलियन वेज बाय विच वी कैन डाई राइट नाउ, है ना। और मैं वो सारे के सारे नोट डाउन करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता हूँ, अपनी एंजाइटी बढ़ा सकता हूँ, अपना स्ट्रेस बढ़ा सकता हूँ। मैं नोट डाउन करना स्टार्ट करूँ कि कितने तरीके से अभी का अभी आई कैन डाई, एंड मोस्ट लाइकली आई विल डाई बिकॉज आई एम राइटिंग दिस लिस्ट, इसकी जो एंजाइटी की जो क्रिएट होगी उससे ही शायद मेरे को हार्ट अटैक आ जाए। पर हो तो नहीं रहा है ना, प्रोबेबिलिटी नाम की भी तो चीज होती है, सिर्फ हम थ्योरेटिकली पॉइंट्स लिस्ट डाउन करते जाएंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और सबको 100% मान के चलेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 in a million, 1 in a billion पर्सन विल डाई फ्रॉम दिस ऑप्शन, 1 in a trillion पर्सन विल डाई फ्रॉम दैट ऑप्शन, लेकिन हम ऑप्शन के नाम पे हम लिखे जा रहे हैं और लिखने में हम अपनी एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, अरे ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, प्रोबेबिलिटी क्या है, और हुआ तो हुआ ना, फिर हाउ एम आई इम्पैक्टिंग माई क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ दैट, इस सब में। तो जब हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे हम कंप्लीटली इरेशनल हो जाते हैं, लॉजिक दे के इलॉजिकल हो रहे हैं, रैशनैलिटी दिखा के इरेशनल हो रहे हैं, दिस इज अ साइन ऑफ फोबिया, कि वो इंसान कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, ये फोबिया का साइन होता है। तो फोबिया हो गया, ये ट्रोमा इतना ज्यादा डीप था कि फोबिया हो गया उससे, अब दोबारा उसको फेस करने की हिम्मत ही नहीं बची। दिस इज अ साइन ऑफ एनर्जी बॉडी गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस, उतना डीप लेवल का हो जाता है कि मैं उसको जस्टिफाई किसी भी रीजन, कुछ भी बोल के, कुछ भी करके मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं फेस करना। और जहां मेरे लॉजिक भी खत्म हो जाएंगे ना, जहां मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाऊंगा ना, मैं फिर भी अटका रहूंगा, नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, दैट्स द साइन ऑफ एनर्जी ब्लॉक। तो मूलाधार लेवल पे प्रॉब्लम, मूलाधार लेवल, मूलाधार इज अबाउट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर, तो यहाँ पे मूलाधार में ही इश्यू है, मूलाधार में ही ब्लॉक। और मूलाधार में ब्लॉक होने से फिर आगे का काम नहीं हो पाता है, फिर आप बड़ी बड़ी बातें कितनी भी करो, अनाहत लेवल की, हार्ट चक्र की, थर्ड आई, इंट्यूशन, ये वो, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि नींव, नींव ही पॉइजनस है, नींव में ही गड़बड़ है, रूट लेवल इज द फर्स्ट लेवल, इट बिल्ड्स द एनर्जी सिस्टम इज बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इच अदर, दैट इज हाउ द एनर्जी सिस्टम इज,
जो भी लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर रहता है, यहाँ पे भी ब्लॉक्स हैं, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर विल डिसाइड योर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बातें आप किसी भी लेवल की कर सकते, बातें करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बातें कहीं की किसी भी लेवल से आप कर सकते हो, एक्शन आप उसी लेवल से लोगे जहां आपका लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर आता है, जहां ब्लॉक है, उसके बियॉन्ड के एक्शन नहीं ले पाओगे। मूलाधार से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। मूलाधार में अटक गए हैं आप बेसिकली, क्योंकि वहां ब्लॉक्स हैं। ये क्लियर हो रहा है तेजस? आई फील, मुझे भी ऐसा लग रहा है, लाइक लास्ट मेबी 1 or 2 months से एटलीस् ट आई फील, आई नो इट्स नॉट बैक टू जीरो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि काफी सारे लेवल्स पे इवन दो आई एम एबल टू टेक एक्शंस बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल एंड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ, तो पहले से बेटर है, बट समहाउ इट फील्स कि काफी सारा मैं बैक चला गया हूँ सर, एटलीस्ट फ्रॉम लास्ट 1 or 2 months. हाँ, और आपकी जो ऊपर के लेवल्स की जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है वो बेकार नहीं जाएगी। यहाँ का चैनल खोलोगे तो वो जो है, जो बना है, वो और ज्यादा काम आएगा, लेकिन अभी वो पूरा काम नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां पे एक्शन लेने में आप अटकोगे तो मूलाधार पे ही, क्योंकि सारे एक्शंस अल्टीमेटली कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फीलिंग सेफ एंड सिक्योर एंड ऑल दैट। तो जहां भी किसी भी एक्शन में सेफ्टी और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पे अटकोगे। जिन किसी एक्शंस में सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पे देर इज एन इनहेरेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अवेलेबल टू यू, वहां दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत वहां आएगी जहां पे वो नहीं है। तो इसलिए इस चीज पर ध्यान लाने की जरूरत। And इज we will दिस learn how ऑन? to, we'll learn how to address energy block problem. एनर्जी ब्लॉक्स को तो Good एड्रेस life. हमने एनर्जी ब्लॉक्स को एड्रेस करना हम ये नहीं, इस प्रोग्राम में तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो अलग चीज है। एनर्जी ब्लॉक्स को एड्रेस करना सीखने का काम नहीं है। एनर्जी ब्लॉक्स एक अलग चीज है। सी, यू हैव डन लेवल फोर वर्क, तो जैसे कि आई हैव एक्सप्लेन टू यू ऑल इन द थ्योरी ऑफ थिंग्स कि लेवल वन में हम आपका कॉन्शियस माइंड यूज करते, क्वेश्चंस के आंसर लाने के लिए आपका कॉन्शियस माइंड यूज किया जाता, और फिर आपका जीएसपी में हम आपका सबकॉन्शियस माइंड यूज करते हैं टू टू गो डीपर एंड प्रोब योर सबकॉन्शियस। तो आपके पास क्या है? आपके पास कॉन्शियस माइंड है, आपके पास सबकॉन्शियस माइंड है, आपके पास एनर्जी बॉडी है। ये तीन चीजें हैं आपके पास। तो हमने आपका कॉन्शियस माइंड यूज कर लिया अनस्टक में, आपका सबकॉन्शियस यूज कर लिया जीएसपी में, और फिर एचएमबी में हमने आपकी एनर्जी बॉडी यूज की टू हील योर सबकॉन्शियस, योर माइंड ब्लॉक्स। क्योंकि जो चीज में करप्शन है, हम हमको उससे एक लेवल आगे का टूल यूज करना होगा ना। आपके अगर कॉन्शियस माइंड में करप्शन है, तो आपके सबकॉन्शियस को यूज करके हम कॉन्शियस माइंड के करप्शन को निकालेंगे। कॉन्शियस में करप्शन है तो कॉन्शियस माइंड को थोड़ी यूज करेंगे, वो तो करप्टेड है। तो मुझको उसके आगे का कोई टूल चाहिए ना, उसको पीछे को ठीक करने के लिए। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस में अगर दिक्कत है, माइंड ब्लॉक्स हैं, तो उन माइंड ब्लॉक्स को ठीक करने के लिए मैं माइंड का तो यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि माइंड तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, माइंड को कैसे यूज करूंगा। तो मुझको एक लेवल आगे जाना है, तो मुझको एनर्जी बॉडी यूज करनी है। तो हम एनर्जी बॉडी को यूज करके माइंड ब्लॉक्स को एड्रेस करते हैं। दैट्स द थिंग।
अब आपकी तो एनर्जी बॉडी यूज होगी, अब एनर्जी बॉडी में भी करप्शन है तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास तो यही तीन चीजें थी, अब आपके पास तो टूल्स ही खत्म हो गए, अब एनर्जी बॉडी को कैसे रिकवर करोगे? दिस इज वाई आई कीप सेइंग ये डीआईवाई वर्क है ही नहीं। तो इसके लिए आपको लगता है एक एनर्जी हीलर, इसके लिए आपको लगता है किसी और की एनर्जी बॉडी। तो जैसे आपकी कार की बैटरी डाउन हो जाती है, उसको जंप स्टार्ट करने के लिए आपको एक दूसरी कार की बैटरी लगती है, तो आप उसको जंप स्टार्ट करते हो और फिर वो जंप स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद आप उसको सस्टेन कर सकते हो, फिर आप कार चला के रखो थोड़ी देर और वो चार्ज हो जाती है। तो दैट्स द प्रोसेस, दिस इज द सेम प्रोसेस कि आपकी एनर्जी बॉडी करप्ट हो गई है, आपकी एनर्जी बॉडी करप्ट हो गई और आपके पास अब कोई रिसोर्स बचा नहीं है जिसको मैं यूज कर सकूं, तो अब मुझको अपनी एनर्जी बॉडी यूज करनी होगी आपकी एनर्जी बॉडी को हील करने के लिए। दिस इज व्हाई वी डू द एनर्जी हीलिंग रिट्रीट, जहां पे यू कम एंड वी आर देयर। तो अब हम अपनी, अगर आपको वो काम करना है कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है, कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अपनी एनर्जी बॉडी को उस लेवल तक लाना पड़ेगा ना। पहले खुद की एनर्जी बॉडी तो हील करो, वहां तक आओ पहले, क्योंकि ये काम ड्रेनिंग। अब आपको किसी और को चार्ज देना है, आप खुद डिस्चार्ज होके बैठे हो, और किसी को चार्ज दोगे तो और ज्यादा डिस्चार्ज हो जाओगे। एक ड्रेन बैटरी से कितना ही जूस खींच लोगे आप, तो अगर चार्ज करने के लिए कोई बैटरी लेके आ रहे हो तो एक्सपेक्ट तो करोगे ना कि वो बैटरी तो फुली चार्ज हो, वो बैटरी तो हेल्दी हो। एक ड्रेन्ड बैटरी से क्या ही निकाल लोगे आप। तो इसलिए ये एनर्जी वर्क जो होता है ये सीखने वाली बात नहीं होती है उतनी, पहले अपनी बॉडी अपने वेसल को क्लीन करके उस लेवल तक लाया जाता है सर्टन साधना करके, जहां पे आप अब दूसरे के लिए अपने एनर्जी बॉडी को ऑफर कर सकते। तो चीजों को पहले वहां तक लाया जाता और उसके लिए हमने आपको वहां पे शक्तिपद दीक्षा है और फिर आपको बीज मंत्र मेडिटेशन ये सब सिखाया है। ये साधना रेगुलरली करनी, ये साधना रेगुलरली करोगे तो वो एनर्जी बॉडी का जो है करप्शन वो दूर होने लगता है। तो ये ऐसी चीजें नहीं है जो बस कभी कभी कर ली, जब जरूरत लगी तब कर ली, जब वैसे ऐसे, इसको प्रैक्टिस बनाना है, इसको इसको बस करना है, इसको करना है क्योंकि आपको और ज्यादा पावरफुल बनना है। इसको इसलिए नहीं करना है कि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन जरूरी नहीं है कि मेडिसिन की तरह ही खाना है। अब जैसे आयुर्वेद में तो आयुर्वेद ट्रीट्स एवरी फूड एज अ मेडिसिन ओनली, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो हर कुछ जो भी फूड हम खाते हैं वो सारा मेडिसिन ही है। तो अब आप उसको मेडिसिन की तरह खा सकते हो या आप उसको खाने की तरह भी खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और उसको आप खा रहे हो ये जान के कि मैं इसको इंजॉय करके मजे से खा रहा हूं, लेकिन मेडिसिन का काम तो ये फिर भी कर ही रहा है ना। या फिर आप उसको एक मेडिसिन के तौर पे देख के कर सकते हो, ऐसा लगेगा यार बोरिंग मेडिसिन की तरह खा रहा हूं और ये है खाना पड़ रहा है एंड ऑल दैट, आप वैसे देख सकते हो, या आप फूड को एंजॉय करके खा सकते हो। फूड को एंजॉय करके भी खाओगे तो भी वो मेडिसिन का काम तो करेगा ही, तो ये भी वैसा ही है। ये जो आपको बीज मंत्र मेडिटेशन बताया है करने का, रेगुलरली करने का, मैंने इस प्रोग्राम में भी सबको बोला है कि डू द बीज मंत्र मेडिटेशन एवरी डे, ये इसी चीज के लिए है ताकि आप इंटरनली स्ट्रांग हो। खुद इंटरनली स्ट्रांग होगे तब तो किसी को अपनी माइंड बॉडी ऑफर कर पाओगे उस काम करने के लिए। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये हम तब देखते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। तो व्हेन, अब आपको रेडी होने में 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 साल, 6 जन्म, मुझे नहीं पता है। व्हेन एवर यू आर रेडी देन यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। तो इसका कोई प्रोसेस नहीं है सच, इसकी एक रेडीनेस की स्टेट को असेस किया जाएगा कि या नाउ नाउ यू आर एट अ पॉइंट जहां पे अब आप ये एनर्जी हीलिंग
कर सकते हो, सीख सकते हो। सीखने को तो अभी भी सीख लोगे, सीखने में कुछ नहीं है, कर नहीं पाओगे। एक दो लोगों के साथ करके खुद ही लेट जाओगे अगर जमीन पे, और खुद ही बीमार पड़ जाओगे तो व्हाट इज द पॉइंट। एनर्जी बहुत ड्रेनिंग होता सो यू हैव टू बी इन अ वेरी हेल्दी स्टेट। दैट इज द रीजन वाई वी ओनली, हम 10 लोगों से ज्यादा का बैच नहीं रखते, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं है कि 200 लोगों को रूम में ले आओ और एनर्जी वर्क कर लो। तो अभी हम उस लेवल पे नहीं है, हमें अपनी लिमिटेशंस मालूम रहती हैं। तो बहुत लोग कर सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कर नहीं सकते। देर आर मेनी मास्टर्स हु कैन हैंडल हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, हम नहीं है। हम जिस लेवल तक हैं, हम हमें अपनी लिमिटेशन मालूम है कि हम 10-15 लोगों के साथ एट ए टाइम कर सकते हैं, तो हम अपना करते। आप लोग अभी एक भी हैंडल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए अभी इसके बारे में सोचो मत। पहले अपनी एनर्जी बॉडी को उस लेवल पे ले आओ, पहले रेगुलरली अपनी साधना करो, रेगुलरली अपनी एनर्जी बॉडी, अपने एनर्जी ब्लॉक्स को निकालो। पहले पहले उस पॉइंट पे आओ, फिर उसके बाद कैपेबिलिटी डेवलप होती है, फिर ये काम भी हो सकता है। करने को कोई भी कर सकता है। सो थ्योरेटिकली स्पीकिंग देर इज नो क्वालिफिकेशन एज सच, ऐसा नहीं कि कोई कोई बहुत ही ऐसा कुछ कोई पैदा होता है ये सब काम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। एनीबडी कैन बी प्रिपेयर्ड टू डू दिस वर्क, यू कैन ऑल डू दिस वर्क, बट एक लेवल की प्रिपरेशन लगती है।